हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट बाइक्स के बारे में, जिनको आप 1,50,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो। दोस्तों, करंटली सभी बाइक्स का एक शोरूम प्राइस इंक्रीज हो गया है और इसी वजह से सब बाइक्स का ऑन रोड प्राइस भी काफी ज्यादा हो चुका है। पहले जो बाइक्स 1,50,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर आती थी, वो बाइक आज के टाइम पे 1,50,000 रुपए के अंदर नहीं आती हैं। सो कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं जो पहले इस लिस्ट के अंदर आती थी लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर नहीं आती हैं। सो ये अपडेटेड लिस्ट है। अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट से। 10th नंबर पे है होंडा SP125। होंडा की SP125 125cc कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, जिसके दो वेरिएंट्स हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 79,000 और ऑन रोड प्राइस है 94,000। डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 83,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,00,000। इस बाइक के अंदर 124cc का एयर कोल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 Nm का विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 liters की। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है और इस बाइक में आपको 55 टू 60 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाती है। SP125 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। LED हेडलाइट का डिजाइन काफी अच्छा है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है और रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक के लुक्स, ओवरऑल डिजाइन, बॉडी ग्राफिक्स भी काफी अच्छे हैं। कम्यूटर सेगमेंट के अंदर ये बाइक वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है, जिसको आप 1,00,000 रुपए के आसपास परचेज कर सकते हो। इस बाइक के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी है। सो ये थी 10th नंबर पे होंडा की SP125। अब हम बात करते हैं 9th बाइक के बारे में। 9th नंबर पे है TVS की न्यूली लॉन्च्ड बाइक TVS Raider 125। ये बाइक भी 125cc कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, लेकिन दोस्तों करंटली TVS की Raider 125 इंडियन टूलर मार्केट में सबसे बेस्ट 125cc सेगमेंट की बाइक है, क्योंकि इस बाइक का एक्शोरूम प्राइस भी काफी अच्छा है, साथ ही इस बाइक के अंदर फीचर्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं। इस बाइक के भी दो वेरिएंट्स हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 78,000, ऑन रोड प्राइस है 90,000 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 86,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,00,000। इस बाइक के अंदर भी 125cc एयर कोल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.38 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11.2 Nm का विद 5-speed ट्रांसमिशन और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 liters की। TVS की Raider का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की LED हेडलाइट काफी अच्छी है, साथ में LED DRLs भी दिए गए हैं और इस बाइक के अंदर भी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं और रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक का भी राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है और इस बाइक में भी आपको 60 KMPL के आसपास की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। Raider 125 125cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है। इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, रियर में ड्रम ब्रेक है और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी है। सो ये थी 9th नंबर पे TVS की Raider। 8th बाइक के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में 8th बाइक है बजाज पल्सर 150। बजाज की पल्सर 150 भी एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, जिसका राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इस बाइक में आपको 45 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,06,000, ऑन रोड प्राइस है 1,23,000, ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,09,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,26,000। इस बाइक के अंदर 149.5cc का एयर कोल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.25 Nm का विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक का बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स की है, जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर फीचर्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन 150cc कम्यूटर सेगमेंट के अंदर ये बाइक सबसे बेस्ट है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट है, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अंदर फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम्यूटर सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसको आप 1,25,000 के आसपास परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं 7th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 7th बाइक है बजाज पल्सर NS160। बजाज पल्सर NS160 पल्सर NS200 से ही इंस्पायर्ड है। इस बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल पल्सर NS200 के जैसा ही है। सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इस बाइक में भी आपको 45 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक का एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है, जिसके अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है,
इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,16,000 और ओनर प्राइस है 1,37,000। इस बाइक के अंदर 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.2 पीएस की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 14.6 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। साथ ही इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS भी है। 260mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 230mm की रियर डिस्क ब्रेक है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट है, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक का भी राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है और इस बाइक के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है। NS160 पेरीमीटर फ्रेम पे बेस्ड है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है। इस बाइक की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से ये बाइक इस लिस्ट में 7th नंबर पे है, लेकिन सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। सो इस बाइक को भी आप 1,40,000 के आसपास परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं 6th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 6th नंबर पे दो बाइक है जो है यामाहा FZS V3 और यामाहा FZX। दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। FZS V3 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,05,000, ओनर प्राइस है 1,20,000। इस बाइक में डार्क नाइट एडिशन भी है, विंटेज एडिशन भी है और स्टैंडर्ड ब्लूटूथ एडिशन भी है। इस बाइक के स्टैंडर्ड ब्लूटूथ एडिशन का एक शोरूम प्राइस है 1,15,000 और ओनर प्राइस है 1,32,000। यामाहा FZX का एक शोरूम प्राइस है 1,24,300 और ओनर प्राइस है 1,42,000। इन दोनों बाइक्स के अंदर 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 पीएस की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। FZX की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की और FZS V3 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। यामाहा FZX का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ये बाइक एक रेट्रो स्टाइल वाली मशीन है जिसके ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड LED हेडलाइट है विद LED DRLs, मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। साथ ही इस बाइक के टैंक श्राउड्स भी देखने में काफी अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर टक एंड रोल टाइप सिंगल पीस सीट दी गई है जिसका राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है। फ्रंट और रियर में काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं जो कि 180 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/60 सेक्शन का रियर टायर है। 282mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इन दोनों बाइक्स में आपको 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल पीस सीट है। FZS V3 के अंदर भी फ्रंट में LED हेडलाइट है। दोनों बाइक्स के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप वाले फीचर्स दिए गए हैं और दोनों बाइक्स के अंदर रियर में LED टेल लाइट है। सो ये थी 6th नंबर पे यामाहा FZS V3 और यामाहा FZX। अब हम बात करते हैं 5th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 5th नंबर पे है सुजुकी जिक्सर। सुजुकी जिक्सर एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है जिसके ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,22,000 और ओनर प्राइस है 1,44,000। इस बाइक के अंदर भी आपको 45-50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और इस बाइक का भी सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसके अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट दी गई है जिसका डिजाइन काफी अच्छा है। इस बाइक के अंदर फ्लैट डिजाइन वाली काफी अच्छी शार्प LED हेडलाइट है विद LED DRLs। इस बाइक के अंदर भी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में LED टेल लाइट है। सुजुकी जिक्सर के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है। इस बाइक के अंदर 155 cc का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13.6 पीएस की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.8 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसके इंजन रिफाइनमेंट और माइलेज काफ़ी अच्छी है। इस बाइक के अंदर भी फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक हैं विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। साथ ही इस बाइक के अंदर ट्विन मफलर वाला एक जो सिस्टम भी दिया गया है जिसके ऊपर क्रोम फिनिशिंग दी गई है और इस बाइक के भी ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो ये थी 5th नंबर पे सुजुकी जिक्सर। अब बात करते हैं 4th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 4th बाइक है हीरो मोटोकॉर्प की एक्सट्रीम 160R। एक्सट्रीम 160R भी एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है और इस बाइक के भी ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इस बाइक के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है, क्योंकि इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छे डिजाइन वाली LED हेडलाइट है, LED इंडिकेटर्स भी हैं और LED DRLs भी दिए गए हैं। साथ में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में एच शेप्ड LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट दी गई है। एक्सट्रीम 160R के अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,12,000, ओनर प्राइस है 1,35,000। ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,15,000 और ओनर प्राइस है 1,38,000। इस बाइक के अंदर आप स्टील्थ एडिशन को भी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,17,000
और ओनर प्राइस है 1,41,000। इस बाइक के अंदर 163cc का एयर कोल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15.2 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 14 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। XT160R के अंदर भी आपको 45-50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक की भी इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, साथ ही इस बाइक के अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है जो एक फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है। इस बाइक के अंदर 276 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है और 160cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक भी एक बेस्ट नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे तीन बाइक्स हैं, एक्सपल्स 200, एक्सपल्स 204V और एक्सपल्स 200T। हीरो के एक्सपल्स 200 और 204V ये दोनों बाइक्स टिपिकल एडवेंचर टूरर टाइप की मशीन है। एक्सपल्स 200 का एक शोरूम प्राइस है 1,23,000 और ओनर प्राइस है 1,47,000। एक्सपल्स 204V का एक शोरूम प्राइस है 1,30,000 और ओनर प्राइस है 1,50,000। एक्सपल्स 200T का एक शोरूम प्राइस है 1,21,000 और ओनर प्राइस है 1,45,000। एक्सपल्स 200 और 200T दोनों बाइक्स के अंदर सेम इंजन है, दोनों बाइक्स के अंदर सेम कंपोनेंट्स हैं। 199.6cc का एयर कोल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.1 PS की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 16.15 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। लेकिन एक्सपल्स 204V का इंजन ज़्यादा पावरफुल है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 19.1 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 17.35 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इन दोनों बाइक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। एक्सपल्स 200 और 200T दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इन दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर भी दिया गया है। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल पीस सीट है और दोनों बाइक्स के लुक्स और डिजाइन काफी अच्छे हैं। ये दोनों बाइक्स 200cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग डिसेंट परफॉर्मेंस वाली बाइक है और इन दोनों बाइक्स में आपको 40 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। दोस्तों हीरो के एक्सपल्स 200, 204V और 200T ही ऐसी बाइक हैं जो 200cc सेगमेंट की बाइक हैं जिनको आप 1,50,000 ओनर प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो। बाकी सभी 200cc सेगमेंट की बाइक्स का प्राइस 1,50,000 से काफी ज्यादा हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में सेकंड बाइक है सुजुकी जिक्सर SF। सुजुकी की जिक्सर SF एक टिपिकल फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है जिसके एरोडायनेमिक्स काफी अच्छे हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर काफी अच्छा एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइन देखने को मिलता है और 1,50,000 ओनर प्राइस टैग के अंदर सुजुकी की जिक्सर SF इकलौती ऐसी फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है जिसको आप परचेज कर सकते हो क्योंकि बाकी सभी फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स का प्राइस काफी ज्यादा हो चुका है। जिक्सर SF का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इस बाइक के अंदर फ्रंट में ट्रिपल LED हेडलाइट का सेटअप है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंड स्क्रीन दी गई है जो विंड ब्लास्ट से काफी अच्छा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इस बाइक के अंदर भी आपको 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। जिक्सर SF के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है और इस बाइक के अंदर भी ट्विन मफलर एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है जिसके ऊपर क्रोम फिनिशिंग दी गई है जो देखने में काफी अच्छी लगती है। सुजुकी की जिक्सर SF भी 1,50,000 ओनर प्राइस टैग के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। इस बाइक के अंदर 155cc का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13.6 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.8 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। इस बाइक की भी इंजन रिफाइनमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/60 सेक्शन का रियर टायर है, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। सो ये थी सेकंड नंबर पे सुजुकी की जिक्सर SF। अब बात करते हैं नंबर वन बाइक के बारे में। इस लिस्ट में नंबर वन पे है TVS की अपाची RTR 164V, क्योंकि दोस्तों इस लिस्ट में ये बाइक सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है और सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक सबसे बेस्ट पावरफुल मशीन है। इस बाइक के अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,15,000, ओनर प्राइस है 1,34,000, ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,20,000 और ओनर प्राइस है 1,39,000। इस बाइक के अंदर आप स्पेशल एडिशन को भी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,21,400 और ओनर प्राइस है 1,42,000। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसकी मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक के अंदर 159.7cc का ऑयल कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.63 PS, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 14.73 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। 160cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की आउटपुट फिगर्स काफी अच्छी हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर एडवांस फीचर्स भी हैं। इस बाइक की इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं जिसकी वजह से ये बाइक एक फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी
शार्प एलईडी हेडलाइट है विद एलईडी डीआरएल्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, रियर में एलईडी टेल लाइट है और इस बाइक के अंदर भी सिंगल पीस सीट दी गई है। इस बाइक का भी राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है और सिंगल चैनल एबीएस दिया गया है। इस बाइक में भी आपको 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये थी टॉप 10 बेस्ट बाइक्स जिनको आप 150,000 ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बेस्ट बाइक कौन सी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।